इस वीडियो में आज आपको हम बात करने वाले हैं CMLT क्या है और CMLT की फीस, सैलरी, नौकरी, सिलेबस और क्या इसके फ़ायदे आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CMLT के फुल फॉर्म क्या है। तो CMLT का फुल फॉर्म होता है सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होता है, जिसे हिंदी में मेडिकल प्रयोगशाला तकनीक में सर्टिफिकेट कहते हैं। CMLT कोर्स की अवधि क्या है? तो CMLT कोर्स की अवधि 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में होती है। अब हम बात करेंगे CMLT कोर्स क्या है। CMLT एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है। मेडिकल लाइन में करियर बनाने के लिए यह कोर्स 12वीं पास करने के बाद किया जा सकता है। इस कोर्स के अंदर आप मेडिकल लेबोरेटरी से संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। इस कोर्स के दौरान आपको माइक्रोबायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी और HBT और HCG परीक्षण आदि के बारे में सिखाया जाता है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही आपको सैंपल कलेक्शन करना और सैंपल की प्रोसेसिंग करना और लेबोरेटरी के उपकरणों का उपयोग करके सैंपल की जांच करना आदि आपको सिखाया जाता है। अब हम बात करेंगे CMLT कोर्स के लाभ क्या हो सकते हैं आपको। तो CMLT कोर्स करके आप मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं और CMLT कोर्स करके आप मेडिकल लेबोरेटरी से संबंधित सभी प्रकार का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपको बायोकेमिस्ट्री लैब टेक्नीशियन यानी कि पैथोलॉजी लैब और टेक्नीशियन लैब टेक्नीशियन आदि के पद पर आप काम कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे CMLT कोर्स में एडमिशन के लिए योग्यता क्या चाहिए। देखिए, इसके लिए योग्यता क्या चाहिए आपके पास, तो 12th में आपको साइंस स्ट्रीम से पढ़ना है, साइंस से, और 50% से ज़्यादा अंक होने चाहिए। पास करेंगे अगर आप 12th, तो 50% से अधिक नंबर होना चाहिए एडमिशन के समय में। तो अब हम बात करते हैं कि उम्र सीमा क्या है। कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अधिकतम आयु 17 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, साथ ही उम्मीदवार भारत का निवासी भी होना चाहिए। आवश्यक स्किल क्या है, बायोलॉजी की अच्छी जानकारी होना चाहिए, मेडिकल फील्ड की अच्छी जानकारी होना चाहिए, केमिस्ट्री की अच्छी जानकारी होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए। तो CMLT कोर्स का सिलेबस क्या है, ब्लड बैंकिंग टेक्नीशियन और मूत्र प्रणाली की जांच, विषाणु विज्ञान और बेसिक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो CMLT कोर्स के लिए आपको टॉप कॉलेज का भी नाम बता देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च GMR वारालक्ष्मी कम्युनिटी कॉलेज है, श्री काकुलम आंध्र प्रदेश में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, डॉक्टर DY पाटिल विश्वविद्यालय नई मुंबई में है, सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट उड़ीसा में है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है, और खाटू श्याम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी नई दिल्ली में है। CMLT कोर्स के बाद करियर क्षेत्र क्या है, मेडिकल कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, फार्मेसी और नर्सिंग होम में आप जॉब कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं CMLT कोर्स की फ़ीस कितना है। तो CMLT कोर्स का फीस जो है कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है और अलग अलग फी आपको होता है, 50,000 से 1,00,000 तक आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा।